हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोबारा स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में। तो आज वाली वीडियो है पार्ट टू ऑफ माइनक्राफ्ट, बट यू कैन क्रिएट आर्मर आउट ऑफ एनी ब्लॉक। लिटरली मैं किसी भी ब्लॉक का आर्मर बना सकता हूँ। तो सीधा ही शुरू करते हैं। उस शुरू करने के लिए मेरे को क्रिएटिव में जाना पड़ेगा, तो क्रिएटिव ले लेते हैं सबसे पहले। और मेरे FPS पता नहीं क्यों गिरते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही है। मेरे को इसका हल ढूंढना है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा। सबर 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 सबर, हमने कल ट्राई किए थे लीव्स तक, ठीक है। आज हम ट्राई करते हैं आगे। स्पॉन्ज है, वेट स्पॉन्ज है और नॉर्मल स्पॉन्ज है। हम नॉर्मल स्पॉन्ज का बनाते हैं। ये शायद ग्लास का लग रहा है। हाँ ग्लास का था, ठीक है। स्पॉन्ज का मैंने ले लिया है और अब ये पेन भी लेते हैं। पर इसके लिए ना मेरे को हाथ में स्पॉन्ज देने पड़ेंगे। स्पॉन्ज डन हो गया। अब जाते हैं सर्वाइवल में। अब देखना ऐसे कुछ होना चाहिए था। एब्जॉर्बेंट, ये तो मैंने प्लेस किया है ना, तो प्लेस तो करूँगा तो कहीं का पानी भी उड़ जाएगा। तो फिर ये आर्मर ने क्या किया? एब्जॉर्बेंट पता नहीं क्या था, समझ नहीं आया यार। अजीब ही था ये तो स्पंज वाला आर्मर। अब नेक्स्ट आर्मर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आर्मर जो हमारा होगा वो होगा, ये मैंने ट्राई कर लिया। वेट स्पंज नहीं ट्राई करें, ग्लास का आर्मर ट्राई करेंगे। ग्लास 1 2, इनविजिबिलिटी दे रहा है वो तो मैंने देख लिया है। ग्लास ले भी लेते हैं, क्या पता ग्लास की ज़रूरत हो। ले लिया मैंने। सर्वाइवल में जाओ, ये चेक करो। पर ये तो मैं दिख रहा हूँ, ये तो इनविजिबल थोड़ी ना हूँ मैं तो दिख रहा हूँ यार। ये देखो ना, मैं तो दिख रहा हूँ यार, ये इनविजिबल कैसे हुआ मैं? अगर मैं गिरूँ आवाज़ कैसे आएगी? दिख रहा हूँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ, पर इफेक्ट मिला है मेरे को इनविजिबिलिटी का। क्या पता मैं दूसरे को नहीं देखूँ, ये पता नहीं है मेरे को। अब चलते हैं नेक्स्ट वे। नेक्स्ट जो हमारा आर्मर है वो कौन सा है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्मर होने वाला है वो होने वाला है सैंड। नहीं सैंड तो हमने ट्राई कर लिया था कर ली नहीं, ये सैंड स्टोन है। ये रॉक की भी इफेक्ट हमने ट्राई किया हुआ है तो नहीं ट्राई करेंगे। ये ट्राई करेंगे लेपिस वाला आर्मर, एक्सपीरियंस गिविंग। इसका मतलब क्या होता है एक्सपीरियंस गिविंग? मतलब ये शायद मेरे को एक्सपीरियंस दे रहा है। हाँ ये मेरे को एक्सपी दे रहा है। एक्सपी की एक्सपी आर्मर का आर्मर, ये सही है। पेन के बैठे रहो, एक्सपी मिलते हैं कि आर्मर भी अच्छा है। आर्मर भी सही है, खास तो नहीं है बोलूँगा, पर सही है, इतना खास नहीं है। पर एक्सपी दे रहा है वो बात अच्छी थी, और वो भी बहुत देर देर से दे रहा है यार। फक ऑफ। अगला हमारा आता है एंडर, नहीं एंडर चेस्ट वाला नहीं, एंडर चेस्ट तो बहुत नीचे है। अगला जो हमारा आता है वो आता है इमोर्टल। इमोर्टल किस में लिखा हुआ था? अच्छा ये ऑब्सीडियन था, मैं इमोर्टल पढ़ लिया। इमूवेबल था, इमोर्टल नहीं था। ये हो गया लेपिस, हो गया डिस्पेंसर ले लेते हैं। पर इसके लिए ना हमारे को एरो भी चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है एरो डिस्पेंस, तो एरो भी चाहिए हमारे को। ARRW, ठीक हो गया जी, एरो डिफेंस। अच्छा जब मेरे को मारेगा उसको एरो लगेंगे, नहीं या शायद मैं जिसको मारूंगा उसको एरो फेंक के लगेंगे, देख लेते हैं ना। नहीं यार एरो तो डिस्पेंस हो नहीं रहे, लिखा गया हुआ है इसमें, कुछ नहीं लिखा हुआ रहा। ले एरो डिस्पेंस करना, कैसे डालूं इसके अंदर? ले तो समझ ही नहीं आता, आधा आर्मर तो कुछ ना कुछ। ये कैसे मारूं इनको? अटो के में चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लग रहा। चल भाई मैं आ गया हूँ, कहाँ? लावा है, ज़ोंबी की आवाज़ भी आई। ज़ोंबी कहाँ है? ज़ोंबी ले, इसको भी एरो नहीं लग रहे, बेफालतू में टाइम वेस्ट कराया मेरा।
सारना ने तो वाकई में टाइम वेस्ट ही था ये। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्मर पे। नेक्स्ट आर्मर जो हमारा होने वाला है वो है, नेक्स्ट आर्मर जो हमारा है वो है वुड, नहीं बेड रॉक। मैंने बोलता लास्ट में, आखिरी आखिरी में ट्राई करेंगे, क्योंकि इसका आर्मर देखो आप, इसमें इमूवेबल का इफेक्ट लगा पड़ा है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। देख लेंगे देख लेंगे। ये रॉकी पॉकी वाले इफेक्ट भी हमने ट्राई किए थे, तो ये ले लेते हैं। नोट हेलमेट इसमें है, इफेक्टिव म्यूजिकल, हम चलेंगे तो म्यूजिक बजेगा मेरे ख्याल से, ऐसे ही होना चाहिए। इसको तो उतारो, इसको तो उतारो, इसको तो पहनो। हाय हाय, एकदम स्पेक्टेटर हो चल रहा था। आर्मर तो अच्छा है यार, मेरे को तो पसंद आया। चेक करो, चलते चलते आराम से आपको म्यूजिक सुने और एक से आप माइनक्राफ्ट खेलो। अरे मज़ा ही मज़ा आएगा कसम से यार, ये अच्छा लगा मेरे को, ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा था। आज का, आज के लिए ये मैं इसको अच्छा आर्मर डिक्लेयर करूँगा इसको। अगला 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 हमारा आता है, अगला वूल वाले आर्मर आ रहे हैं। वूल वाले नहीं, वूल पिस्टन वाले हैं। पिस्टन में ये पुलर पुशर, ये ले लेते हैं, पुलर ले लेते हैं। अगर पुलर से ही काम कर गया तो पुशर भी काम कर जाएगा। टट टट टट, देख 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 देख, इसमें कुछ लिखा होता है, मैंने देखा नहीं। अब दिखेगा ही नहीं, देखना। ये देखो, हाँ, पुल आ प्रेस आर नियर एंटिटीज। ओके, ओबे बेस्ट, मक्खी गए मक्खी गए। आ जाओ मेरे कुत्तों मेरे पास, मैं बगैर टेम के कुत्ते साथ लेके जा रहा। अच्छा, वो डिस्पेंसर का आर्मर भी ऐसे काम करना था। कहाँ गया डिस्पेंसर? आप देखना, आप देखना, आप समझ आएगा डिस्पेंसर का आर्मर मेरे को, आप समझ आया इसके ऊपर। ये देखो, समझ गया, खुद ब खुद एरो डिस्पेंस कर देगा या फिर मेरे को। अब लोड हो रहा है, हाँ लोड होने में टाइम तो लगता है यार, ये रो उठा नहीं सकता मैं। सबर, इस कुत्ते को मारता हूँ। अबे नहीं बे, अब मेरी हंगर भी कम होगी, बस मेरे को इनसे दूर जाना पड़ेगा, वरना मेरे यहाँ पे कुत्ता, कुत्ते मेरा कुत्ता बना देंगे। अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया, अब मैं कुछ गलती नहीं करूँगा, अब मैं समझ गया, पक्का पक्का पक्का। स्पॉन्ज का भी ऐसे ही होगा, आर वाला है ना। हाँ देखो, पर अब समझ गए ना, स्पॉन्ज तो क्या करता है। हाँ पुलर भी हो गया, पुशर दूर पुश करेगा। अब ले लेते हैं वूल, वूल में सब वूल में एक ही इफेक्ट है, वो है सॉफ्ट फॉल का, जो कि हमने ट्राई भी किया है। इसमें आर वार दबाना है, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू फॉल डैमेज, मतलब हमें फॉल डैमेज लग ही नहीं सकता। उसकी एग्जांपल ये देखो, मैं कितनी ऊपर से गिर रहा हूँ, देखो मैं मार ही नहीं सकता भाई फॉल डैमेज से। चेक करो बस, कितनी ऊपर से गिरूँ, और ऊपर से बड़ी हाइट से गिरूँ। अभी चलते हैं ऊपर, चलते हैं, देखते हैं जितनी ऊपर हो सकता है ना उतनी ऊपर, बादलों से ऊपर, बस बादलों से ऊपर चलते हैं बस। मैनू पारे जटनी, नहीं कॉपीराइट आ जाएगा, यहाँ से सीधा ठीक है। मार ही नहीं सकता बस, सॉफ्ट फॉल समझ गए। अब आखिरी आखिरी आर्मर ट्राई करते हैं, आखिरी टाइम सैटरडे, अब ट्राई करते हैं आज का आखिरी आर्मर, जो के होने वाला है, आ, 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 जो के होने वाला है वूल वाले में। ने ट्राई कर लिए सब में एक ही इफेक्ट है, तो मैं वो ज़्यादा ब्लैक वूल चेस्ट प्लेट नहीं। अब आगे आता है शुगर क्रेन, ये शुगर क्रेन नहीं, शुगर केन, ये तो ले लेते हैं। ये कुछ ना अजीब सा नहीं लग रहा, पर अलग सा निखर रहा है, ये पहन लेते हैं। प्रो स्लोली रीग्रोज एंड रिपेयर ड्यूरेबिलिटी रिक्वायर 2+ पीसेस। अच्छा,
अब समझाया 2+VC का मतलब क्या था, स्पीड इंक्रीज स्पीड। मेरे 3 हंगर कम में फिर भी देखो कितनी तेज भाग रहा हूँ। शुगर केन आर्मर आई लव यू, ये माइनक्राफ्ट माइनक्राफ्ट वालों ऐड करो इसको, शुगर केन आर्मर को माइनक्राफ्ट में ऐड करो। यार ये कितना मस्त है, तो इस मस्त आर्मर के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं बोलूँगा आपको 10 नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ऐसे ही 10 नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा देना। तो मैं बोलूँगा आपको 10 नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। I think I'm falling for you.